हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, अभी मैं जा रहा था पूरनपुर से बंडा के लिए, तो रास्ते में एक अनोखी चीज़ देखी। हालांकि है तो वो रोज़ की ही चीज़, आप लोगों ने देखी भी होगी, और ये अनोखी कुछ इस प्रकार से लगी क्योंकि दोस्तों अभी तक मैंने ज़िंदगी में पहली बार, जी हाँ दोस्तों पहली बार ये देखा है। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं कि मैंने क्या देखा है आखिर रास्ते में। तो चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, यही वो अनोखी चीज़ है। हालांकि देखा जाए तो ये तो मतलब रोज़मर्रा की चीज़ ही है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल काले धान हैं। और इसमें देखिए किस प्रकार से बाली तो वैसी सफ़ेद ही निकली है, लेकिन देखिए काले धान हैं। और एक ही खेत है यहाँ पर, तो पूरे खेत में काले धान, और आप लोग देख सकते हैं। पहली बार मैं ये देख रहा हूँ, ये धान काले धान हैं, लेकिन हरे धान तो आप लोगों ने देखे ही होंगे, लेकिन काले धान तो आप लोग देख सकते हैं। बाली तो इसमें फ़िलहाल सफ़ेद ही आती है और धान भी वैसा ही है, लेकिन इसका जो पत्तियों का कलर है वो आप लोग देख सकते हैं कितना काला कलर है। और ऑल ओवर आप लोग चारों तरफ देखेंगे तो हरा ही धान नज़र आ रहा होगा, लेकिन यही धान जो है काला धान नज़र आ रहा होगा। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दिया जाए। और यहाँ पर जो लोग निकलते हैं वो देखते हैं, तो ये देखते हैं कि वास्तव में ये काला धान, और क्योंकि लोगों ने देखा नहीं है ना दोस्तों, आप लोगों ने मुझे लगता है नहीं देखा होगा, पहली बार ही देख रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि वास्तव में अनोखी चीज़ है। धान तो आप लोग देखते हैं, लेकिन काला धान आप लोग कैसे देखते हैं, ये देखिए किस प्रकार से। इसमें कुछ लगाया नहीं है, लेकिन ये काला धान ही काला है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो कैसी लगी अनोखी चीज़, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों आप लोगों ने पहली बार देखा या फिर और कभी भी देखा हो तो कमेंट में हमें कमेंट करके बताएंगे। तो मिलते हैं फिर किसी न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।